गुरसिख परिवारों की माइक सहायता को लेकर जिस तरह के कार्यशील होने की लोड़ है वो जरूरत असल दे विच क्यों पई है जी? जिहड़े साडे सिख परिवार हैगे जिहड़े माइक तौर तो पिछड़े हैगे आ जी, ते उन्हां दा हथ फड़ना कौम दा कम हैगा, ते जो सिख ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट हैगा वो कौम की जो जिम्मेवारी है उन्होंने निभा रहा है। बहुत सारे परिवार जिदा कि मैं पता लगा 350 बच्चों उन्होंने इस पास लगाया और कई बच्चों मेरे ख्याल 150-200 बच्चों जॉब दवाए आ और ट्रेनिंग कोचिंग कराइया ने और बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पूरी कौम की जिम्मेवारी है जो सिख होप चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा। मोहाली के ग्राउंड से विचरते नज़र आते हो, प्रभाव कि लगता है कि जी आवाम है ज सिख संगत है कि अपने बच्चों प्रेर के इस लाइन के वाले लैके आ रही है? जो अजे तक रुझान सेगा वो बच्चे का बाहर जान का बहुत ज़्यादा सेगा कि बारहवीं करो आईलैट्स करो और बाहर निकल जाओ, वो एक्चुअली सही तरीका नहीं है बाहर जान का। जेडे इतने जिन्होंने किया उन्होंने जॉब मिल रहा है, तो जे असी उस लायक अजे बने ही नहीं और असी पहले ही सोचे नहीं जी इतने कुछ नहीं है इसे बाहर जाना है, तो वो फिर ठीक नहीं है। क्योंकि वो बाहर जाके ज़्यादातर मैं देखा जो सुनने में आया कि बच्चे वही जो असी बाहरों लेबर मंगा के अपने घर के काम करवाने असी आप जाके अंग्रेजा के काम करते हैं, वो असी उन्होंने गुलाम से पहले इतने और असी अजे वो गुलामी छड़ी नहीं, असी उत्थे जाके फिर उन्होंने गुलामी कर रहे हैं। फिर पंजाब के नौजवानों के इस गलू लैके एक एग्जाम्पल फिट क्यों की नज़र आती? एक्चुअली जिहड़ा भी बच्चा बाहर जाता ना वो जिहड़ियां अपनियां वधिया वधिया तस्वीरां हन वो सोशल मीडिया से वायरल करता है, वह भेजता अपने मित्रों, असी सिर्फ वह चंगा पक्ष देखते हैं। जोड़ा वो काम करता होटलों में भांडे माजदा इधर उधर लेबर से काम करता वो कदे शेयर नहीं करता। TV24 के नाल जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सबराज। जी गल की जाए तो एक पासे जिहड़ा पंजाब दे विच यूथ है वह विदेशों के वाले जाने की तैयारी कर रहा, पर दूजे पासे जिहड़ा कहा जा सकता कि सिख विज्ञानी ने सरदार महेंद्र पाल सिंह उन्होंने लोगों के वास्ते वड्डी मिसाल भी कायम करते नज़र आते हैं। इसे नूं लैके मोहाली के गुरद्वारा साचा धन साहिब दे विच एक गुरमत समागम किया गया, तो ये नाल ही प्रेरणा दी गई है कि किस तरीके दे नाल संसार दे विच विचर के जिहड़े लोड़वंद गुरसिख परिवार ने उन्हां दी माइक सहायता किस तरह की जाए तो जिहड़े सिख यूथ है उसनू किस तरीके दे नाल अगे लैके आंदा जाना चाहिए, तो इसे नू लैके जिहड़ा इसरो विज्ञानी सरदार महेंद्रपाल सिंह साडे नाल ने असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे। सर सब तो पहला स्वागत है जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर सब तो पहला वड्डा सवाल है, जिस तरीके दे नाल सिख होप चैरिटेबल संस्था बहुत वड्डा काम करदी ग्राउंड ते नज़र आउंदी है, की लगदा कि गुरसिख परिवारां दी माइक सहायता नू लैके जिस तरह के कार्यशील होने की लोड़ है वो जरूरत असल दे विच क्यों पई है जी? वो जरूरत यही है कि जिहड़े साडे सिख परिवार हैगे जिहड़े माइक तौर तो पिछड़े हैगे आ जी, ते उन्हां दा हथ फड़ना कौम दा कम हैगा, ते जो सिख ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट हैगा वो कौम दी जो जिम्मेवारी है उन्होंने निभा रहा है। और बहुत सारे परिवार जिदा कि मैं पता लगा 350 बच्चों उन्होंने इस पास लगाया और कई बच्चों मेरे ख्याल 150-200 बच्चों जॉब दवाए आ और ट्रेनिंग कोचिंग कराइया ने और बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पूरी कौम की जिम्मेवारी है जो सिख होप चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा, इदा के होर भी जो सेवावान ने इस तरह दियाँ वो बाकी जगह पर भी होनी चाहिए ने, ताकि हर जगह पर जो साढ़े पिछड़े जो मायक सहायता तो पिछड़े वीर भैणा हैं उन्होंने बच्चों इस पास फायदा उठाया जाए और वो बच्चे पढ़ के कौम वास्ते सेवा कर सकन। जिस तरीके दे नाल तुसी आवाम दे विच सिख संगत दे विच जाके जिहड़ा अपील करते नज़र आने कि बच्चों नूं अगेरे लिया जाना चाहिए, जिहड़े गुरसिख बच्चे ने ते इस नूं लैके ग्राउंड ते जिस तरीके दे नाल चंडीगढ़ के गुरु घरां दे विच साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच ग्राउंड ते विचरते नज़र आते हो, प्रभाव कितना कु लगता है कि जिहड़ी आवाम है जां सिख संगत है कितना कु अपने बच्चों नूं प्रेर के इस लाइन के वाले लैके आ रही है? एक्चुअली जो अजे तक रुझान सेगा वो बच्चे का बाहर जान का बहुत ज़्यादा सेगा कि बारहवीं करो आईलैट्स करो और बाहर निकल जाओ, वो एक्चुअली सही तरीका नहीं है बाहर जान का, ठीक है। तो इत्थे बहुत सारे अवसर है पर असी उस लैक पहले बनीए तो सही, जे असी ग्रेजुएशन करके किसी जॉब वास्ते अप्लाई नहीं करते। मेरे ख्याल उत्थे बैंगलोर में पिछले करीब 4-5 साल ज़्यादा नहीं तो 4-5 हज़ार सिख आए होने, सिख बच्चे आए होने उस पास IT जॉब्स में कारपोरेट जॉब्स में, तो उन्होंने जॉब मिल रहे हैं ना जिहड़े इत्थे जिन्होंने किया उन्होंने जॉब मिल रहा है, तो जे असी उस
उस लायक अजे बने ही नहीं और असं पहले ही सोचे नहीं जी इतने कुछ नहीं है इतने बाहर जाना है तो वो फिर ठीक नहीं है क्योंकि बाहर जाके ज़्यादातर मैं देखा जो सुनने में आया कि बच्चे वही जो असी बाहरों लेबर मंगा के अपने घर के काम करवाने असी आप जाके अंग्रेजा के काम करते हैं वो असी उन्होंने गुलाम से पहले इतने और असी अजे गुलामी छड़ी नहीं असी उत्थे जाके फिर उन्होंने गुलामी कर रहे हैं तो आप इतने राजे बन के क्यों नहीं रही असी इतने बंदा राजा बन के रहा उत्थे जाके गुलाम हो जाता वो खासकर पंजाब के यूथ के गल प्रचलित क्यों हो चुकी है एक बार जाता है तो वो तीन होर जाने वास्ते बैठे हुए ने खासकर जिहड़े पंजाब तो बाहरले सूबे लोग होण आई पी एस बी पी एस वड्डे वड्डे पंजाब दे विच आ के अहुदिआं दे उपर तैनात हुंदे ने फिर पंजाब के नौजवानों के इस गल नूं लैके एक एग्जाम्पल फिट क्यों की नज़र आउंदी है। अच्छा जिहड़ा भी बच्चा बाहर जाता ना वो जिहड़ियां अपनियां वधिया वधिया तस्वीरां हन वो सोशल मीडिया ते वायरल करता है वो भेजदा अपने मित्रां नूं असी सिर्फ वह चंगा पक्ष देखते हैं जोड़ा वो काम करता होटलों में भांडे माजदा इधर उधर लेबर के काम करता वो कदे शेयर नहीं करता वो ठीक है वो एक जोड़ा चंगा पक्ष है वो शो करता कि हाँ मैं इतने इंजॉय कर रहा लेकिन जो वो स्ट्रगल हैगी सामने आती नहीं हैगी तो लोग सिर्फ वो दूर के ढोल सुहावने उ लगते है इस करके वो जो असलीयत हैगी सामने आती नहीं हैगी तो असी जो सुपने है वो वही जड़िया चंगी चीज़ा सूँ असी सोहनिया सोहनिया जगह तो वो फोटो ने वही देख के असं अट्रैक्ट हो जाने कि हाँ मैं भी उत्थे जावा लेकिन असल में बच्चा जो आप स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी स्ट्रगल किसी ना शेयर नहीं करता माँ प्यो नाल भी शायद शेयर नहीं करते दुनिया के बहुत तुहाडा इस वक्त नाम ना है सिख जगत का नाम भी नाल गया है अंत दे विच मैसेज की है तुहाडे वल्लों जिहड़ियां चुनौतियां दे लड़के तुसीं इन्नी वड्डी मंजिल नूं सर कीता है। मैं यही कहना चाहवांगा कि बच्चों अपनी पढ़ाई वल ध्यान देन मेहनत करन रस्ते बड़े है हूँ तो बहुत ज़्यादा रस्ते आ मतलब तुहाडा कोई भी इंट्रस्ट हैगा उस इंट्रस्ट लई जॉब हैगा जिथे कारपोरेट सैक्टर इन्ने जॉब हैगा और इन्ने वधिया पैसे मिलते हैं बाहर भी पैसे नहीं मिलते इन्ने उत्थे जिन्ने पैसे अजकल इत्थे मिल रहे हैं कारपोरेट सैक्टर उन्ने बाहर भी नहीं मिलते और कारपोरेट सैक्टर छड्डो अगर तुसीं सिविल सर्विसेज या जिहड़ियां जुडिशरी हैगी आ इस पासे जर्नलिज्म वाल आंदे हो तो बहुत सारा स्कोप हैगा। इसरो विज्ञानी सरदार महेंद्रपाल सिंह दे नाल गलबात की है तो उन्होंने अपने जिहड़े सुचजे ते नेक सुझाव रखे ने कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा पंजाब दा वड्डी पद्धर दे उपर यूथ विदेशां दे विच जा के करड़ी मेहनत करन दी दृढ़ता रखता है वो पंजाब दी धरती दे उपर जिहड़ा वड्डियां प्राप्तियां भी कर सकदा है और नाल ही सिख होप चैरिटेबल ट्रस्ट दे वल्लों भी वड्डियां सेवावां निभाईआं जा रहीआं ने और इसे नूं लैके गलबात की है तो भविख दे विच भी यत्न करांगे कि इस तरीके दियां जिहड़ियां खासकर पंजाब दे नौजवानों के वास्ते जिहड़ियां प्रेरणा स्रोत चीज़ा ने उन्हां नूं लैके हाज़र हुंदे रहीए। धन्नवाद।